दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई करते हुए ईडी द्वारा किए गए खुलासे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिटेक के एक्स प्रमोटर और तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के आचरण पर ईडी की रिपोर्ट ने गंभीर और डिस्टर्ब करने वाले मुद्दे उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चंद्रा परिवार के साथ मिलीभगत करने वाले जेल अधिकारियों के खिलाफ तुरंत जांच करने का आदेश दिया है और उस जांच की रिपोर्ट को 4 सप्ताह के अंदर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने के लिए कहा है। दोस्तों दो जजों की बेंच ने कहा कि संजय और अजय चंद्रा के बिहेवियर के बारे में ईडी की दो रिपोर्ट और तिहाड़ जेल के कर्मचारियों के मिलीभगत के साथ ही अदालत के ज्यूरिडिक्शन को कमजोर करने वाले गंभीर और डिस्टर्ब करने वाले मुद्दे उठाए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की जांच के आदेश देने के साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को चंद्रा परिवार के साथ मिलीभगत करने वाले तिहाड़ जेल के अधिकारियों के बिहेवियर की व्यक्तिगत रूप से जांच करने के लिए कहा है। इससे पहले चंद्रा यूनिटेक लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप की जांच कर रही ईडी ने कहा था कि संजय चंद्रा और अजय चंद्रा दोनों ने पूरी न्यायिक हिरासत को बेअसर कर दिया है क्योंकि वह जेल के अंदर रह के ही अपने अधिकारियों को ऑर्डर दे रहे थे और जेल के अंदर रह के ही अपनी संपत्ति का निपटारा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा करते हुए ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने ये जानकारी सीक्रेट अंडरग्राउंड ऑफिसर से पता लगाया है जिसे यूनिटेक के फाउंडर रमेश चंद्रा द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था और पेरोल या जमानत पर होने के दौरान उनके बेटे संजय चंद्रा और अजय चंद्रा भी यहां आया जाया करते थे। तो दोस्तों इसके बाद यूनिटेक के प्रमोटर अजय चंद्रा और संजय चंद्रा की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ अपडेट यूनिटेक कंपनी को लेकर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।